Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? I hope you will be fine. Today we will do working of Urdu literature. So take out your books of Tafhim Urdu. Aaj hum jo bhi humne chapters padhe hain, abhi tak hum logon ne 4 chapters ki reading ki hai, padhai ki hai. Allama Iqbal, Podo se Ghiza, Mukhtasar Kahaniya aur Hikayat Sheikh Sadi. Aaj main aap sabko in चैप्टर्स की इमला के निशान लगवाऊंगी. आप लोग कहेंगे कि इमला तो हमारे चैप्टर में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं पिंक कलर से वो होंगे, वो भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि आप 3 क्लास से 4 क्लास से प्रमोट हैं, तो आपको पता है नेटिव का पैटर्न होता है कि आपको कुछ लाइन्स की इमला दी जाती है या डिक्टेशन दी जाती है. तो आज इन 4 चैप्टर्स में से मैं आपको इमला के निशान लगवाऊँगी. आपने उस इमला की प्रैक्टिस करनी है, उसको ध्यान से याद करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, और उसके साथ साथ इन 4 चैप्टर्स की आप लोगों ने पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म के पेपर्स में कुछ मार्क्स पढ़ाई के होते हैं और कुछ मार्क्स आपकी इमला के होते हैं. सो सबसे पहले हम इमला देखेंगे अल्लामा इकबाल की. आपने पेज नंबर ओपन करना है 14. हाँ जी, बुक्स ओपन कर लिए आपने. पेज नंबर 14 के ऊपर, 14 के ऊपर, सफ़ा नंबर 14 के ऊपर आपके पास इस तरह से मैंने निशान लगाया है, अल्लामा इकबाल से लेकर तब्दील किया. आप भी इसको एक दफ़ा पढ़ लें, मैं भी आपको पढ़ के बता देती हूँ. अल्लामा इकबाल ने अपनी वसीउ नज़री के बायस इसका इदराक कर लिया था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक अलग वतन होना चाहिए. आप रहमतुल्लाह अलैह के फ़लसफ़े को एक शायर का ख्वाब भी कहा गया, जिसे हकीकत में बदलने के लिए अल्लाह ताला ने हमें कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में एक अजीम रहनुमा अता किया, जिनकी अनथक जद्दोजहद ने आप रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब को हकीकत में तब्दील किया. यह आपकी अल्लामा इकबाल के सबक में से इमला है. आप इसको मार्क करके आपने इसको याद करना है. उसके बाद हम सेकेंड पर आ जाएंगे. जो हमारे सेकेंड चैप्टर की इमला है वो है पौधों से ग़िज़ा, सफ़ा नंबर 20. हाँ जी क्लास 4, खोल लिया आपने सफ़ा नंबर 20, पौधों से ग़िज़ा. यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग से मार्क किया है. नोरेस का ज़्यादातर वक्त अपने दादा जान के साथ गुजरता था. इसके दादा जान कुछ दिनों के लिए एक काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हो तो नोरेस बहुत उदास हो गया. दादी जान ने जब महसूस किया तो उन्होंने नोरेस को अपने पास बुलाया और कहा कि जब शाम को जब तुम्हारे दोस्त आए तो मुझे भी बुला लेना. यहाँ तक आपने मार्क करके तो आपने इसकी इमला याद करनी है. क्लियर फॉर क्लास? यह आपका सेकंड चैप्टर है पौधों से ग़िज़ा. अब नेक्स्ट हमारा 3rd चैप्टर है मुख्तसर कहानियाँ. उसके बाद हमारा सफ़ा नंबर है 27. इसमें मैंने लिया है पैराग्राफ की जो 3 लाइंस आपने मार्क करनी है. हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ख़ानदान बनु उमैया के बहुत नेक दिल, परहेज़गार और इंसाफ पसंद खलीफा थे. जब आप खलीफा मुकरर हुए तो अपनी जोजा का सारा जेवर सरकारी ख़जाने में जमा करवा दिया. इनके ख़ानदान में जिन लोगों ने ज़मीनों और जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा था वो सब इनसे रवा गुजार करवा दिया, मतलब खाली करवा दिया. यहाँ तक आप उसको निशान लगाएं. अब आप 3rd चैप्टर की आपने ये 3 लाइंस की इमला याद करनी है. जी क्लास 4, अब आपने यहाँ तक लगाने के बाद अब आपका जो 4th चैप्टर है हकायात शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, इसका सफ़ा नंबर है 104. इसमें मैंने निशान लगाया है इस वक्त मला ने बुलंद आवाज़ से कहा क्यों साहेब आपको तैरना आता है. आलम ने कहा नहीं मुझे तो तैरना नहीं आता. मला बोला अफसोस आपकी तो सारी उम्र बेकार गई क्योंकि कश्ती अब डूबने वाली है. ये 2 लाइंस की आपने इमला याद करनी है. क्लास 4, आपने ध्यान से जितनी भी इमला मैंने आपको लगवाई है आपने उसको याद करना है अच्छे से और इसकी प्रैक्टिस करनी है. आपने जो मैंने जो आपको पैराग्राफ की निशान लगवाए हैं इसकी भी इमला अच्छे से याद करनी है. जो वर्ड्स आपको पिंक
कलर में नज़र आ रहे हैं उनको भी आपने अच्छे से याद करना है, और इन चारों चैप्टर्स के इन चारों असबाक को आपने ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई भी आपके फर्स्ट टर्म के पेपर्स में शामिल होती है और उसके साथ साथ इमला भी। और आई होप आपका अब तक जितना भी काम आपको उर्दू अदब का या उर्दू कवायद का करवाया गया है, आपने वह साथ साथ याद किया होगा और साथ साथ आपने उसकी लिखने की प्रैक्टिस भी की होगी। आपने इसकी जो प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर अपनी फॉर्मेशन में, जिस तरह से आप उर्दू लिखते हैं वैसे करना है, और साथ साथ आपने अपना काम करना है, क्योंकि जो बच्चे साथ साथ काम करेंगे वो अच्छे तरीके से पेपर्स भी कर सकते हैं, अच्छे नंबर भी ले सकते हैं और आगे बढ़ भी सकते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल का मोटिव है कि आगे बढ़ते जाओ। तो वो इसी सूरत में है जब आप अपना रोज़ाना का काम रोज़ाना की बेसिस पे करेंगे। ठीक है क्लास फोर, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।